इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी जो कि एग्जिस्ट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए स्क्वायर रूल जो कि बनी हुई है मेटल वायर की, ठीक ना, और वायर की डायमीटर हमें गिवन है 4 mm और उस वायर की जो टोटल लेंथ है वह है 30 सेंटीमीटर और मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज कर रही है एट ए स्टेडी रेट ऑफ 0.032 टेस्ला पर सेकेंड, तो उस लूप में जो इंड्यूस्ड करंट है वो क्लोज होगी इन चार में से किसी की होगी, ठीक ना। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ द वायर, तो रेडियस निकाल लेते हैं r इक्वल टू d बाय 2 इक्वल टू 2 मिलीमीटर, ठीक ना, 4/2, तो r इक्वल टू कितना है 2 × 10⁻³ मीटर। अब लेंथ की बात करें, लेंथ हमें मीटर में रखना है तो 0.3 मीटर और हमें क्या दे रखा है dB by dt मैग्नेटिक फील्ड का चेंज दे रखा है 0.032 टेस्ला पर सेकंड, ठीक ना। अब देखो इससे हमने क्या बनाया, स्क्वायर लूप बनाया है, ठीक ना, तो उसकी साइड क्या हो जाएगी L/4 मतलब 0.3 × 4 ये कितना हो जाएगा 0.075 मीटर, ये साइड ऑफ स्क्वायर हो गई, ठीक ना। अब देखो और रेजिस्टिविटी ऑफ वायर भी हमें गिवन है, वो कितनी है 1.23 × 10⁻¹ ओम मीटर। अब देखो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू -A dB/dt, तो ये कितना आ जाएगा -0.075² × dB/dt 0.032, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 1 मिनट, हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी है, साइन वाइन छोड़ो, ठीक ना, ऑनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ये हो गया, इसे सॉल्व करके ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1.8 × 10⁻⁴ वोल्ट, ठीक। अब देखो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू E/R और R इक्वल टू ρL/A, तो I कितनी आ जाएगी E/ρL। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, I इक्वल टू E कितनी है 1.8 × 10⁻⁴ × एरिया कितनी हो जाएगी, एरिया इससे लेंगे ना पाई आर स्क्वायर, तो πx² × 2 × 10⁻³ का स्क्वायर, अरे एरिया वायर की ना, अब यहां क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर की है, ठीक ना, ये हो गया। अपॉन रो कितनी है 1.23 × 10⁻⁸ इंटू लेंथ कितनी है 0.3, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा नियर अबाउट 0.61 एम्पियर। क्लियर, 0.61।